this mistake has been done. Now, what can you do to make for it? For yeah, whom? Yeah. For us, for Neemu and me. सुबह के बज रहे हैं 3, साथ में है दिल्ली की पसीने वाली गर्मी, ना फोन में इंटरनेट है, और साथ में है 5 बड़े लगेज। बीवी और बच्चे दोनों हैं जेट लैग्ड, और ऐसी हालत में रेडिसन गुड़गांव पहुंच के चेक इन करते वक्त आपको पता चले कि आपकी बुकिंग गुड़गांव में नहीं बट रेडिसन द्वारका में है, तो किस हस्बैंड को गाली नहीं पड़ी। सुबह सुबह 7 बजे आओ तो कॉफ़ी पीने का मन तो करता ही है। बाय द वे, टुडे वी आर फ्लाइंग टू इंडिया। इंडिया में हमारा पहला डेस्टिनेशन था कोलकाता, विच वी वर गोइंग टू आफ्टर 3 years एंड ऑल्सो टू हैव अ फैमिली रियूनियन। कोलकाता पहुंचने से पहले वी डिसाइडेड टू लैंड एंड स्टे एट दिल्ली फॉर अ डे बिकॉज वी वर नॉट श्योर हाउ टायर्ड द बेबी विल बी आफ्टर अ 7.5 hour फ्लाइट। ऑल सेट, ऑल सेट, बाबू इज स्लीपिंग एंड दैट इज व्हाट वी वांट रियली। वेल, व्हाट वी रियली वांटेड वाज दैट हमें और एक्स्ट्रा बैगेज की फीस ना देनी पड़े। तजुर्बा कहता है कि जब भी आपका सूटकेस आपकी माँ, बहन या बीवी पैक करती है वो हमेशा ओवरवेट ही होता है, यानी 20 किलो भी 15 किलो नजर आता है। 19? This India trip will be special for us for 3 reasons. First, हम 3 साल के बाद इंडिया ट्रैवल कर रहे थे। Second, Neemu was traveling to India for the first time. And third, देखो मिडिल क्लास बोलता है कि यहाँ जाने को, और जब मिडिल क्लास को चीट करते हो तो बोलते हैं यहाँ जाने को। सो दिस बैड बॉय इज लेट बाय एन आवर एंड वी हैव टू वेट फॉर एन आवर फॉर बोर्डिंग। 1 घंटा? या क्या कर रहे थे? गेट नहीं मिल रहा था फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। गेट हमारे घर में गेट है, वहाँ पे लैंड करा देते। वेल, वेट करना किसको पसंद नहीं, अगर आपको पता हो कि यू आर गोइंग टू बी पैम्पर्ड फॉर द नेक्स्ट 8 hours। फुली रिक्लाइनिंग सीट्स दैट कन्वर्ट इनटू फुली फ्लैट बेड, मेनूज रिकमेंडेड बाय लीडिंग शेफ्स, सर्वड ऑन टॉप क्वालिटी टेबलवेयर, टॉप नॉच इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड दिस ऑरेंज जूस बाय गॉड। घर पे इतना पसंद नहीं आता। बट द फैक्ट इज आई हैव स्टिल नॉट एड्रेस्ड द एलिफेंट इन द रूम। 1 घंटे की डिले के बाद फाइनली वी वर इन द एयर। ये लग्जरी में ट्रैवल करना तो अपनी जगह है, पर 100 बात की एक बात कहूं, मेरे दोस्त ने मुझसे एक बार कहा है कि बच्चा बादशाह होता है, और वो क्यों ये आपको अब पता पड़ेगा। देयर इज अ स्लाइट चेंज इन प्लान। जी हाँ, बादशाह मेरी सीट पर पसर चुके थे क्योंकि बैसेनेट उनको रास नहीं आया। So there is a situation. The ventilation over there is kind of getting some cold air and that is going directly to the head of the baby and that is what we are trying to figure out how to stop it. Actually बैसेनेट की हाइट थोड़ी ज्यादा थी एंड बादशाह की मम्मी was not satisfied with the setup. और सेकेंड थिंग was कि फ्लाइट की नॉइज में शायद हमें बादशाह की रोने की आवाज ना सुनाई दे। Then that was a big concern. देखते ही देखते बादशाह ने हमारी बिजनेस क्लास के एक्सपीरियंस को राजधानी के एसी सेकंड क्लास के एक्सपीरियंस में बदल दिया। सल्यूट टू ऑल दोज पेरेंट्स हु ट्रैवल फ्रॉम यूएस टू इंडिया अलोन विद देयर किड्स ऑन इकोनॉमी, जबकि ये सिर्फ 7.5 घंटे की फ्लाइट थी। So finally we have landed at Delhi and main aim is
टू रीच द होटल। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपका फ़ोन नहीं चलता क्योंकि आप बाहर से आए हो एंड OTP पे सब कुछ काम करता है। सो कैब मंगाना है, कुछ मंगाना है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट वी हैव टू फेस राइट नाउ, बट लेट्स सी। वैसे तो लग रहा होगा कि द मेजर चैलेंज हैज़ ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड, बट देयर इज मच मोर। इमिग्रेशन हो गया था, वॉज वेरी स्मूथ, बैगेज भी बहुत जल्दी ही मिल गया था और कैब भी बुक हो चुकी थी। जैसे ही दिल्ली उतरते हैं वैसे ही एक मुंह में एक परत सी जम जाती है, धूल मिट्टी उसकी। दिल्ली की ये रात शायद मैं कभी ना भूल पाऊं। ऐसी गर्मी में कोशिश थी कि जल्द से जल्द होटल पहुंचा जा सके। होटल पहुंच के पता चला कि यहाँ की बुकिंग तो करवाई ही नहीं थी। This mistake has been done. Now what can you do to make for it? For yeah, whom? Yeah. For you? For us. For Nemo and me. अब क्या करें, गलती तो हो गई। In my defense, my lord, दिल्ली में रेडिसन के नाम से 6-7 होटल्स हैं और यमुना पार तो 5 अलग बने हुए हैं। बिकॉज यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने पे इतने रेडिसन मिल जाएंगे जितने इंडिया में राहुल मिलते हैं। एंड नाउ वी आर द राइट होटल होपफुली। तुमने कहा था तुम मुझे दिल्ली घुमाओगे, घुमाया तुमने मुझे दिल्ली। मैंने तुम्हें हरियाणा घुमा दिया। चेक इन करते करते फाइनली सुबह के 4 बज गए, बट आवर बॉडी क्लॉक वाज स्टिल रनिंग एट यूरोपियन टाइम, जो कि 3.5 घंटे पीछे चल रहा था। दिस इज हाउ दिल्ली लुक्स लाइक राइट नाउ। जी हाँ, अभी तक की सबसे बड़ी खबर सीधे दिल्ली से। जर्मनी से आए 2 लोगों ने रेडिसन होटल के गुलाब जामुन पर अटैक कर दिया है। 8 गुलाब जामुन ने मौके पर दम तोड़ दिया है और 4 अब भी उनके प्लेट में बाकी है। So many things that are happening at once, like Times of India, gulab jamun and a breakfast, poha, idli and stuff like that. It makes you feel that you're in your country finally. दिल्ली लैंड करने का एक और रीजन होता है, वो है निकलिंग। निखिल मेरे बचपन का यार। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि मेरे घर वालों ने उसको नाउन से वर्ब में कन्वर्ट कर दिया है। पर अब मुझसे ज्यादा निकलिंग मेरी सौतन यानी निखिल की धर्मपत्नी मोनिका करती है। मोनिका ने ना ही निखिल के दिल को अनलॉक किया है, बट हमारे होटल रूम के कॉम्प्लेक्स दरवाजे को भी अनलॉक किया है। तब से ये जनता ये कार्ड लगा के खोलने की This is Monica second time trying to open the door. She's not happy because last time खोल दिया था। नहीं वो उसका पता नहीं है, वो सेंसर के बाद ना उसको करना होता है। और आप ट्राई करना चाहेंगे? हम मुझसे शो देखेंगे। अरे बोलो भाई। अभी खोलेगी। She will open. Yes. Again. ये कौन अभी इतना लूट है? तो जब हम वो करते ना पूरा होता नहीं है इस रूल के चक्कर। जिसको भी गाड़ी सीखने का मन हो वो रेडिसन ब्लू होटल के आसपास ये वाली फील्ड है द्वारका में, यहाँ पे आ जाए। और ये इंडिया का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं? इंडिया में लाइसेंस चाहिए नहीं। दूसरी गाड़ी है पार्किंग लॉट पर, यहाँ पे काहे ब्लिंकर लगा के वो चला रहा है? And this, my friend, is the third one. अच्छा ये दोनों इशात पार्किंग करने आए, not सीखने, पर I'm not really sure. पार्टी करने आए। दिल्ली में एक दिन की निकलिंग और पुरानी बातें ताज़ा करने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोलकाता के लिए। बादशाह नीमो ने तो अपनी नींद निकाल ली थी, बट मम्मी और पापा की हालत हो रही थी टाइट। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया ना निकलने वैसे ही पेट कम करना शुरू कर दिया। दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट मैक्सिमम 2 घंटे 10 मिनट की होती है, तो उम्मीद यही थी कि सफर भी जल्दी हो जाएगा, बट हमारे नीमो बच्चा की नींद बीच में टूट गई। उसके बाद का मंजर तो देखते ही बनता है। दिस हैज बीन बाय फार द मोस्ट चैलेंजिंग फ्लाइट ऑफ द होल जर्नी, बिकॉज हम सोए नहीं थे एंड दैट काइंड ऑफ लाइक बैकफायर्ड ऑन अस। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे सोना में आ गया हूँ। एयरपोर्ट पे हमें रिसीव करने आए थे नीमो बच्चे के दादू। ऑनेस्टली बोलूँ तो आई वॉज वेटिंग टू हग हिम एंड सी हिम इन पर्सन आफ्टर 3 ईयर्स। कोलकाता के नाम से मेरे माइंड में 2 वर्ड्स आते हैं, दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड की भरपाई तो फिर भी एयर कंडीशनर कर देती है, बट माँ और दादी के प्यार की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। 17 साल का था जब मैं पहली बार घर से निकला था और अब घर से निकले हुए 17 साल हो गए हैं। आज भी जब घर के डाइनिंग टेबल पर जाता हूँ मैं 17 साल पीछे चला जाता हूँ, जैसे मैं घर छोड़ के कहीं गया ही नहीं। ओके, लेट्स नॉट मेक इट मोर इमोशनल। इस ट्रिप पे स्पॉटलाइट मेरे ऊपर नहीं थी। वी आर हियर फॉर नीमोस अनप्रेशन।
कोलकाता में अधिकतर लोग ब्लैक टी पीते हैं, इसे कुछ लोग लिगर टी भी कहते हैं। ये कल्चर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का है। चाय में अगर गलती से दूध डाल दिया तो आपको डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। बट चाय के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है बिस्किट। The biscuit range starts from there until here, but we are not finding the right biscuit that we want to eat. जी हाँ, ये है गरीबों का टेस्ला ई रिक्शा। भाई का टेस्ला बना है 80,000 रुपए में। 5 किलोमीटर का किराया है 40 रुपए और दिन के चलती है 40 से 50 किलोमीटर। ये बैटरी एक्टर चार्जर को तो खून चले चाटे ओ बापरे माने 4 घंटा बोल चुके तले तेरी रिक्शा की बैटरी। वैसे कोलकाता काफी पहले से इको फ्रेंडली है, 1900 से ट्रांस चल रही है यहाँ पे। जितने मीठे यहाँ के लोग उतने मीठे ये रसगुल्ले। जिम करते हो और ये क्या कर रहे हो तुम? टेस्ट कर रहे हो। अन्न प्रशन मतलब अन्न का सेवन। बच्चा 6 महीने का होते ही उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है। पहला अन्न खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बादशाह नीमो के दादू को दिया गया। 35 डिग्री सेंटीग्रेड और दिल दहला देने वाली ह्यूमिडिटी के बीच में कहीं 30 लोगों का हलवा बन रहा था तो कहीं शंख बज रहे थे और कहीं फ्यूचर प्रोफेशन डिसाइड हो रहे थे। बच्चों के सामने 3 ऑप्शंस रखे जाते हैं, कलम, किताब और पैसा। पेन उठाया मतलब बच्चा राइटर या तो ऑफिस वर्क की फील्ड में जाएगा। बुक्स मतलब आगे चल के एकेडमिक ओरिएंटेड जैसे इकोनॉमिस्ट। और पैसा उठाया मतलब अडानी या अंबानी बनने की कोशिश रहेगी। ब्रेकफास्ट की इडली को बाय बोलने का वक्त आ गया था एंड इट वाज टाइम टू से गुड बाय टू कलकत्ता and head for our next destination, Jaipur. So here we are heading again to Jaipur. To the Jaipur is a major part of my life. यहाँ bachelor's करी है, नितिका से पहली बार मिला इसी शहर में और अब नीमो के नाना नानी भी यहीं पे रहते हैं। जयपुर लैंड करते ही मुझे पुरानी बातें याद आती हैं, जब जेब में एक पैसा नहीं होता था और रॉयल स्टैक के एक क्वार्टर में 3-4 लोग अपना गुजारा करते थे। गर्लफ्रेंड को वेज पिज्जा मैकपफ खिला के शांत करा देते थे और ये वो टाइम था जब फोन पे व्हाट्सएप भी नहीं होते थे और रंग दे बसंती के नाम पे हर कोई नाहरगढ़ या भूत देखने के नाम पे भानगढ़ पहुंच जाता था। शायद इसीलिए जैसे वक्त गुजरता है हर जनरेशन को लगता है कि हमने अपने टाइम पे पता नहीं क्या क्या दिन देखे हैं। पर एक चीज जो आज भी सारे जनरेशंस को एक कॉमन पॉइंट पे ले आती है वो है गर्मा गर्म समोसे, देसी घी में तली हुई कोटा कचौरी, माल्या साहब की चिल्ड बियर, मुंह में घुल जाने वाले कबाब एंड ऑफ कोर्स मारो राजस्थान की स्पेशल दाल बाटी चूरमा। दे दो। सुनो ना, यू आर लुकिंग हैवी बेओटी। अच्छा बेओटी है? हेवन बेओटी। You're looking heavenly and beauty. लेके आते। मम्मी एक चीज बताओ, जैकेट वैकेट चाहिए? कैसी? वो सामने देखो। जैकेट। जैकेट उपलब्ध है। कहते हैं कि अगर आपके काम अटके पड़े हो, जैसे एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाना हो, नई कन्वर्टेबल ट्रक लेनी हो, दीपिका या आलिया जैसी घर में बहू पानी हो, या फिर घर में पनीर का झांसा देके बार बार लौकी चना दाल बन रही हो, तो यहां मोती डूंगरी में आपके सभी बाधाओं का हल मिल जाता है। 1761 में बनाई ये गणेश जी का मंदिर हर साल 1,25,000 से भी ज्यादा दर्शनार्थी खींच लाता है। कहते हैं मेवाड़ के राजा लंबे सफर के बाद अपने महल वापस आ रहे थे और साथ में गणेश जी की ये मूर्ति साथ ला रहे थे। उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि जहां कहीं भी उनका काफिला रुकेगा, गणेश जी का मंदिर वही बनेगा।
And now it's time for a surprise. Well, हमने anticipate नहीं किया था कि how pure and raw the emotions will be when Chia sees her brother for the first time, but this is as real as it gets. आज यहाँ बहन सिर्फ अपने भाई से नहीं बल्कि दो बहनें और भी मिल रही थी 3 साल बाद. नो मैटर हाउ मेनी डिस्टेंसेस टाइम जोन्स एंड डिकेड्स अपार्ट यू लिव, भाई बहन आर द फर्स्ट लंगोटिया यार यू विल एवर हैव. दे आर द वंस विद हुम यू शेयर्ड योर चाइल्डहुड एंड आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ आपको उनके चेहरे में अपना बचपन ज़रूर नजर आएगा. इसी के साथ नीमोज फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया कम्स टू एन एंड एंड दिस व्लॉग इज वेल. इफ़ यू हैव वॉच्ड अंटिल हियर and if this vlog made you think about your brother or sister, then call them up and share this video with them. Aur agar aap channel pe naye hain to subscribe to see more such videos. Moinak signing off.